आखिर क्यों भारत दुनिया से अलग हो रहा है, क्यों धीरे धीरे भारत की जमीन खिसक रही है। आपको शायद इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा धीरे धीरे हो रहा है। भारत जिस भूखंड में बसा हुआ है, वो भूखंड अब धीरे धीरे किसी और दिशा में खिसक रहा है। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ बात हो रही है सच्चाई की। आज हम आपको जो बताने वाले हैं, उसे सुनकर शायद आपको अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हो जाए, क्योंकि अब भारत का अस्तित्व बड़े खतरे में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी भूगोल पढ़ी होगी तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि भारत एशिया से पहले किसी और महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। आज दुनिया के नक्शे में जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, वो प्राचीन समय में काफी अलग है। भारत का भूखंड बाद में पृथ्वी की गतिशीलता के कारण आज भारत एशिया महाद्वीप तक पहुंचा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत का अस्तित्व ही नहीं था। दोस्तों, पृथ्वी के अलग अलग भूखंडों की गति से ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अब भारत दुनिया से अलग होने वाला है। तो क्या सही में भारत का अस्तित्व फिर से खत्म हो जाएगा? यह जानने के लिए आपको हमारे पृथ्वी के प्राचीन काल में जाना होगा, जहाँ पर पृथ्वी एक सुपर कॉन्टिनेंट थी। दोस्तों, बात शुरू से होती है 2700 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर ना मनुष्य था और ना ही सात महाद्वीप थे। उस वक्त यह पृथ्वी पेंजिया नाम से जानी जाती थी, जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ था। इस महासागर को वैज्ञानिक ने नाम दिया था पेंथालासा। लेकिन दोस्तों, हमारे पृथ्वी कई सारे लेयर से बनी हुई है। हमारे पृथ्वी के कुल 12 प्लेट्स हैं, जो हमेशा चलती और खिसकती रहती हैं। ये हर साल आधे इंच से 4 इंच तक खिसकती हैं। इन्हीं के खिसकने से पहाड़ों का जन्म होता है, महासागर बनते हैं। इन प्लेट्स के टकराने से ही ज्वालामुखी में विस्फोट होता है या भूकंप आते हैं। मगर ये सब लाखों करोड़ों सालों में प्लेट के टकराने या खिसकने से होता है। दोस्तों, ये सब कुछ वैज्ञानिकों ने सैकड़ों सालों तक रिसर्च करके पता लगाया है। साल 1570 में पहली बार किसी नक्शे में सातों महाद्वीप शामिल थे। अब्राहम और तिलियस ने ही 1568 में यह नोटिस किया कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पश्चिम हिस्सा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा अलग हो रहे हैं, मगर वो अपने जीते जी इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाए। फिर इस थ्योरी पर कई वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया। इन्हीं में से एक थे अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने साल 1911 में अपनी एक खोज के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया, जिस पर उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उनके अनुसार अमेरिकी महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप के साथ जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के हिस्से थे। सबूत के रूप में उन्होंने कई ऐसे जीवाश्मों के नाम दिए जो दुनिया के अलग अलग महाद्वीप में मौजूद हैं, मगर उनमें ज्यादा समानता है। साल 1915 में अपनी थ्योरी को विस्तार से और सबूतों के साथ दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने एक किताब भी पब्लिश की, जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब ये तो पता चल गया कि दुनिया के महाद्वीप पहले एक ही भूखंड थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। मगर इन भूखंडों के अलग होने का वैज्ञानिक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया था। फिर साल 1950 में मैग्नेटिक सर्वे नाम की एक तकनीक दुनिया के सामने आई, जिससे जमीन के अंदर हो रहे हलचलों का पता लगाया जा सकता था। इस तकनीक से पता चला कि पृथ्वी में कई लेयर्स हैं, पृथ्वी के अंदर कई प्लेट्स हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट का नाम दिया गया। इन प्लेट्स के नीचे खोलता हुआ लावा है, जिसके कारण प्लेट्स भी गतिशील रहती हैं। इतना कुछ पता चल जाने के बाद US ज्योग्राफिकल सर्वे ने रिसर्च की और दुनिया को बताया कि कैसे एक पेंजिया नाम का महाभूखंड 2700 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ, और लगभग 1800 करोड़ साल पहले पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया, जिन्हें लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। धीरे धीरे लॉरेंसिया की धरती अलग होती गई और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने, और गोंडवाना लैंड की धरती ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका में अलग हो गई। उस समय भारत एशिया में नहीं था, भारत का अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत मेडागास्कर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब धरती के अंदर एक भयानक हलचल हुई, तब धरती का कुछ हिस्सा 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगा। इस हिस्से में भारत भी था, और यही भारत धीरे धीरे मेडागास्कर से अलग हो गया और एशिया से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस टक्कर के वजह से ही हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बनी। भारत को एशिया का हिस्सा बनने में करोड़ों साल लगे। दोस्तों, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। लेकिन दोस्तों, प्लेट की वर्तमान स्पीड को देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि अटलांटिक महासागर बड़ा और प्रशांत महासागर छोटा होता जा रहा है। साथ ही भारत के नीचे वाले प्लेट्स फिर से खिसक रही हैं। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति बदलने लगा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत टूटकर एशिया से अलग हो जाएगा। मगर इस बार भारत कहां जाकर टकराएगा ये कहना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत के अलग होने से भारत पर रहने वाले लोगों को भी इसका असर होगा या अगली पीढ़ी किसी और महाद्वीप का हिस्सा होगी? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिल